दिल्ली की स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। उस खुलासे के मुताबिक पत्रकार राजीव शर्मा कई चाइनीज़ लोगों के साथ जुड़ा हुआ था और उनके साथ मिलकर भारत की जो खुफिया जानकारी है, भारतीय सेना की जो खुफिया जानकारी है, उसको साझा कर रहा था, उसको लीक कर रहा था। राजीव शर्मा चूँकि PIB का सदस्य भी है, लिहाजा उसकी एंट्री गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ लगातार थी। ये जो फ्लैट है, ये उस चाइनीज़ महिला जो राजीव शर्मा के साथ गिरफ्तार हुई है, कि क्विंग शी जिसका नाम बताया जा रहा है, ये कमिंग शहर के रहने वाली है, इसको स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। दो और शख्स हैं जिनका नाम लिया जा रहा है जो कमिंग शहर में मौजूद थे और वहाँ से राजीव शर्मा से लगातार संपर्क करते थे, राजीव शर्मा से बातचीत किया करते थे और उनको बताते थे कि उसको क्या करना है। उन्हीं के पैसों से राजीव शर्मा ने कई चीन की यात्राएं की, कई अलग अलग विदेश यात्राएं की। अब जब राजीव शर्मा की गिरफ्तारी हो गई है तो इस फ्लैट से स्पेशल सेल को बहुत से ऐसे सुराग मिले हैं, लैपटॉप मिला है, मोबाइल मिला है, सिम कार्ड्स मिले हैं जिसको सीज़ किया गया है और जिसमें से बहुत सारे एविडेंस भी स्पेशल सेल को मिले हैं जो फॉरेंसिक लैब में भेजे गए हैं। जो हमारे इंडिया और चाइना बॉर्डर्स पर जो डिस्प्यूट्स हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है आर्मी के डिप्लॉयमेंट, आर्मी का प्रोक्योरमेंट और जो इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की, इस तरह की इन्फॉर्मेशंस ये लगातार पास करते रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए इनको काफ़ी ह्यूज अमाउंट थ्रू हवाला और एक डिफरेंट चैनल से इनको मिलता रहा है। इस जो इनकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि इनके जो एसोसिएट जो अरेस्ट हुए आज सुबह, एक चाइनीज़ लेडी और एक नेपाली सिटीजन, इन्होंने एक यहाँ पर सेल कंपनी बना रखी है महिपालपुर में MZ मॉल और MZ फार्मास्यूटिकल के नाम से, जिसमें यहाँ से इंडिया से दवाएं एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को और उधर से उसके एवज़ में जो पैसे आते हैं वो यहाँ पर इस तरह के एजेंट्स को सप्लाई किए जाते हैं। इसी बेस पर आज ये चाइनीज़ नेशनल लेडी और नेपाली सिटीजन को अरेस्ट किया गया है। 2016 से निकल के आ रहा है कि 2016 में पहली बार राजीव शर्मा चाइना गए थे, बुलाने पर किसी बिजनेस के नाम पर बुलाया गया था, क्योंकि ये लगातार फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे तो वहाँ के अखबारों में भी ये लिखा करते थे, तो उसी आधार पर इनको बुलाया गया। जब यहाँ पहुँचे वो तो वहाँ पर इनको दिखाया गया कि अगर आप हमें जानकारियाँ देते हैं, चूँकि आप PIB हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको तकरीबन 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास जो जानकारियाँ आ सकती हैं। तो उस वक्त जो अधिकारी था उसका नाम था जॉर्ज, जिसके संपर्क में जो ये आए और उसके बाद लगातार जो जानकारियां इन्हें मिलती थी, फिर चूंकि इनके पास PIB था तो पुलिस का कहना है कि अंदर जाते थे, कई सारे ऐसे अधिकारी होते थे जिनसे ये फॉर्मली बात करते थे और वो जो जानकारियां मिलती थी उसको फिर ये अलग तरीके से आगे भेजते थे। फिर 2018 में माइकल नाम का एक अधिकारी आया जिसके संपर्क में राजीव शर्मा माइकल के साथ लगातार टच में रहे और इस वक्त की जो टास्क था, इस वक्त जो बॉर्डर पे कंडीशन चल रही है लद्दाख का, वो टास्क इनको दिया गया था और पिछले साल डेढ़ साल के वक्त में ही 40 से 45 लाख रुपया अलग अलग तरीके से इनके पास पहुंचाया गया है, जिसमें शेल कंपनी के जरिए जो चाइनीज़ नागरिक जो यहां पर दिल्ली में महिपालपुर में जिसने ऑफिस बना रखा था उसके जरिए हवाला के जरिए अलग अलग तरीक़ों से 45 लाख रुपये के करीब दिया गया है और लद्दाख से जुड़ी जानकारियाँ इस वक्त इनका टास्क था।